मैं फटे खतरनाक फटे माफ कसम से मैं भी जो नहीं बोला कसम खा के बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना बोतल फेंकी हो पीछे से मैं बोल रहा था ऐसे सीन हो रहा है बार बार पता नहीं यार लगा मजाक कर रहा हूँ अभी अभी बोतल फेंकने का सुना मैंने मेरा दिल ना इतना जोर से धड़कना है फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हो रहा है हमारे साथ तो चैन भी फटक से बंद कर दो भाई बंद कर दो मनाली नहीं मनीला तो ये देखो भाई जंगल के बीच हम लोग बाइक लेकर आ चुके हैं और जंगल देख सकते हो आप लोग कितना खतरनाक जंगल है पानी भर गया भाई पूरा ये देखो कैसा कर रहा है पानी देखो पूरा अभी हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कि पानी नहीं भर रखा होगा सो हेलो यार दोस्तों गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर सो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बज रहे अभी 3 से ऊपर हो चुका है टाइम और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस टाइप की जगह से भाई ये देखो और सामने की लोकेशन देखो भाई सो पहले बता देते हैं आप लोगों को कि आज कहाँ जा रहे हैं तो आज फिर से निकल चुका है तुम्हारा भाई भी पहाड़ी कैंपिंग करने तो आज भाई चब्बू जुल्फिकार के साथ नहीं आप लोग सोच रहे होंगे चब्बू जुल्फिकार के साथ नहीं आज हमारे साथ है हमारे प्रेम भाई ये रहे हमारे प्रेम भाई कैंपिंग के साथ ही अलोन राइडर 99 के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और साथ में भाई हमारे साथ है हीरो स्प्लेंडर बाइक जो कि भाई हमारे कैंपिंग के साथ ही रहेगी आज की कैंपिंग तो बहुत खास होने वाली क्योंकि आज ना सारे यूट्यूबर एक साथ मिले बड़े बड़े यूट्यूबर मनीष भाई और मिस्टर भंडारी ब्लॉग चौथान की और लोकेशन देखो तुम वाली सामने वाली लोकेशन देखो भाई इस लोकेशन पे हम लोग मैंने घर से ब्लॉग शूट नहीं किया था मैंने कहा आज रास्ते में जहाँ पर मस्त वाली लोकेशन मिलेगी वहाँ पर ब्लॉग शूट करेंगे और भाई मैं आ रखा हूँ अभी वैसी जगह पे जहाँ पर आप लोग मुझे जानते हो कि ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद है लेकिन कभी गिर गया तो भाई उसके बाद ब्लॉगिंग चौपट हो जाएगी भाई तो सामने देखो भाई कितने खूबसूरत से गांव है नीचे एक गांव यहाँ पर भी है लेकिन एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसका नाम मुझे पता होगा फर्स्ट टाइम मैं इस रूट से आ रहा हूँ और जाना तो हम लोगों को दूसरे रूट से था लेकिन उस रूट पे रोड ब्लॉक हो रही है इसलिए हम लोग जा रहे हैं इस वाले रास्ते और जो 7 वाले बंदे हैं 3-4 बंदे और हैं वो दूसरे वाले रूट से जा रहे हैं तो हम लोग मिलेंगे पता नहीं आगे कहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर मिलेंगे आप लोगों से मिला देंगे उन लोगों को फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए ही रुके थे और बैग मेरा ये रहा भाई बैग भी बहुत ज़्यादा भारी है अभी तो पूरा सामान नहीं है इसमें सिर्फ कंबल ही रखा हुआ है और टेंट बांध रखा है और बाकी प्रेम भाई का बैग और सामने रही हीरो स्प्लेंडर भाई सो चलिए फिलहाल तो अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत दूर जाना है हम लोगों को अभी नहीं बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं आगे रास्ते में आप लोगों को पता चल ही जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज कैंपिंग करने इस टाइप का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि भाई रोड साइड नाइट कैंपिंग तो देखते हैं क्या सीन होता है तो बने रहना आप लोग भी ब्लॉग में लास्ट तक क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है सारे यूट्यूबर जा रहे हैं भाई आज तो चलिए निकलते हैं यहाँ से उठाते अपना झमथाम और निकलते हैं भाई यहाँ से तो फ्रेम भाई कुछ बोलना चाहोगे बस यार जो वीडियो होने वाला ना बहुत खास होने वाला और जो लोकेशन है ना यहाँ पे बैठ के तो रिलैक्स फील हो रहा है बस तो चलिए भाई चलते हैं भाई साहब क्या हालत हो रही है भाई रोड की ये हमारे उतरना ये हमारे गांव की रोड की जुड़वा बहन इस रोड को आप लोग कंपेयर कर सकते हो हमारे गांव की रोड से भाई देखो अभी तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पर इतनी ख़राब हो रही है ना यहाँ पर रोड भाई कि भाई गाड़ी तो मुश्किल ही नहीं निकल पाएगी गाड़ी निकलना तो मुश्किल है बाकी तो अपने पास स्प्लेंडर है भाई लोंडो वाली बाइक तो वो तो आराम से निकल जाएगी पूरी रोड ऐसी हो रही है भाई ब्लॉग तो मैं अभी शूट कर रहा हूँ लेकिन पीछे से पूरी रोड ना ऐसी हो रही है भाई तो वो तो प्रो राइडर है हमारे साथ बाइक निकाल दे रहे हैं कैसे भी करके नहीं तो भाई 2 बंदों में इस रोड पर बाइक ले जाना ना भाई आसान नहीं है भाई साहब तो इस रोड को देखकर अभी मुझे हमारे गांव की रोड की याद आ गई कि हमारे गांव की रोड के हाल भी कुछ इसी टाइप के हैं भाई अभी भी तो फिलहाल देखना पड़ेगा कहां कहां पर से उतर के जाना पड़ेगा भाई देखते हैं कहीं पर रटपटा ना जाए और भाई भाई अगर गिर गए तो कपड़े तो होंगे ही गंदे भाई पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगी भाई ये भाई भाई ये देखो भैया कुछ ऐसा सीन हो रहा है भाई इस रोड पे तगड़ा वाला अगर आप इस रोड जाना चाहते हैं तो आना आना चाहते हो तो आने की सोचना भी मत आने की बात तो दूर अगर आना चाहते हो तो आने की सोचना भी मत इस रोड पे भाई ये देखो एक सुपर बाइक हमारे आगे से ओ भाई ये एटीट्यूड दिखा रही है हमारी बाइक लमड़ी गई भाई अब चला ले बाइक
आज इन सुंदर वादियों में गाने का मजा ही कुछ और है। सो अब यार हम लोग पता नहीं ये कौन सी जगह है पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और भाई ये इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग हुई ना अभी, इतनी खतरनाक हो रही है रोड। बाइक फिलहाल यहाँ पर लगा दिया है, फ्रेंड भाई ने बैग कैसे फेंक दिया देखो, बैग फेंक दिया भाई ने। तो यहाँ पर चाय पियेंगे पहले, छोटा सा होटल ढाबा टाइप का है यहाँ पर, और एक घर देखो भाई 99997 के घर, ये देखो इसे बोलते हैं बंजी कूड़ी ऐसे टूट रखे हैं घर। तो सामने यहाँ पर चाय पियेंगे और उसके बाद करते हैं फिर आगे की राइड स्टार्ट भाई। तो अभी जस्ट पता चला कि इस जगह का नाम है कठपतिया, पता नहीं अजीब सा नाम है यार। यार एक घर देख के ना भाई पुराने घरों की याद आ जा रही है भाई, देखो कैसे गिर रखे हैं घर। तो यहाँ पर जो ताऊ जी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, अभी चाय बना रहे हैं हमारे लिए। तो अभी उन्होंने कहा कि भी पहाड़ी को जानते हैं, मतलब मुझे जानते हैं, ब्लॉग देखते हैं कभी कभी देखते हैं, डेली तो नहीं देखते। आपकी दुकान है? अच्छा, तो यहाँ पर घर भी एक ही नज़र आ रहा है भाई देखो। तो ये आ गई हमारी कड़क वाली चाय, और अभी थोड़ी चाय के मज़े लेते हैं यहाँ पर, फिर निकलते हैं यहाँ से। और अभी हमारे पहले भाई बोल रहे हैं ताऊ जी, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, ताऊ जी को यकीन ही नहीं हो रहा भाई कि अगला बंदा नेपाल से है भाई क्योंकि फ्रेंड भाई को ना अच्छी तरह गढ़वाली बोल लेते हैं, इसलिए अंकल जी को यकीन नहीं हो रहा अभी। तो मज़ा आ गया भाई चाय पी के, कड़क चाय बना रखी थी ताऊ जी ने, और ताऊ जी भाई जान पहचान के निकले, मतलब सब्सक्राइबर निकले भी पहाड़ी के। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। और भाई एक भाई बैग, तो भाई जितना मेरा खुद का वेट है उतना मेरे बैग का वेट भी है भाई तो अभी यहाँ से सराय खेत पहुँचना है हम लोगों को, और वहाँ पर हम लोगों को अपने साथ के बंदे मिलेंगे भाई। तो यहाँ से शायद 1 से 1.5 किलोमीटर और है, अंकल जी बता रहे थे। तो चलते हैं, निकलते हैं आगे को फिलहाल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सरिया खेत में, और ये रहे भाई साथ वाले बंदे। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई साहब कैसे हो भाई? मिस्टर भंडारी ब्लॉग। हाँ हेलो भाई साहब। तो ये रहे हमारे साथ वाले बंदे, और ये रहे भाई दूसरे बंदे, भाई मनीष भाई क्या हाल चाल? अब हो गया हमारा ग्रुप कंप्लीट भाई, बस अनकंप्लीट था बस भाई, अब आएगा असली मजा। तो यहाँ से हम लोगों को जाना है आगे को, और ये सरिया खेत का मार्केट। तो ये रहे भाई सारे लौंडे हमारे साथ वाले। तो अब ये होगा अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि भाई सब बंदे अलग अलग गांव से। प्रेम भाई तले से, मैं अपने गांव, मेरे गांव का नाम तो आप लोग जानते हो कुणेत, मनीष भाई ऐठी से, और हमारे चंदू भाई मिस्टर भंडारी ब्लॉग के मालिक मासो से है भाई। तो ये सामने आप लोगों को मार्केट दिख रहा होगा, और हम लोग आए इस साइड से। और अभी भाई ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करना है, आप लोगों को बोर नहीं करना है। सो अभी भाई हमारे यहाँ से राइडर चेंज हो गए भाई, मनीष भाई चलाएंगे स्प्लेंडर, और हमारे प्रेम भाई चलाएंगे उनके जिस हिसाब से उनका साइज है उस हिसाब से बाइक भी शूट कर रही है उन पे। तो वो चलाएंगे अभी टाइगर भाई, मनीष भाई की टाइगर को राइड करेंगे अभी। तो चलिए भाई फिलहाल चलते हैं और करते हैं आप लोगों के लिए आगे का ब्लॉग शूट। तो पीछे वाले बंदों को पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है भाई। तो एक बार मार्केट दिखाते हैं आप लोगों को यार, सराय खेत का मार्केट। फर्स्ट टाइम तुम्हारा भाई भी पहाड़ी यहाँ पर आ रहा है, ये देखो इस टाइप का मार्केट, और इस साइड से नीचे को है मार्केट। हम लोगों को नीचे का जाना है, हम लोगों को भी नीचे को ही जाना है भाई। चलो नहीं है यहाँ मार्केट का है, तो एक ही कर दिख रहा है सामने मार्केट पीछे को होगा भाई। तो अभी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की लो लाइट कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसलिए आप लोगों को क्लियरिटी कुछ फुल HD में दिख रही होगी, तो थोड़ा कम करके देख सकते हो आप लोग। भाई यार अभी सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि ये देखो भाई बारिश स्टार्ट हो गई भाई साहब, बाइक हम लोगों ने यहाँ पर खड़ी कर ली है, और फिर से यहाँ पर भाई चाय पीने का मन बना लिया है लौंडे लोगों ने। तो भाई चाय पियेंगे वाले यहाँ पर, और भाई मेरी हालत तो पता नहीं कैसे हो रही होगी, वो आप लोग ही देख रहे होंगे। फिलहाल मैं बैक कैमरे शूट कर रहा हूँ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है भाई। तो ये देखो अभी बाल भी भीग गए, मैं भी भीग गया थोड़ा बहुत, और बाकी कमर भी ऐसे बाइक में झुक के टूट गई भाई। तो सारे लौंडे लोग अभी ब्लॉग वगैरह शूट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कौन सी जगह है भाई? स्वच्छता सुंदर गांव, कौन सा
खाल है, भले कोई खाल होगा, जैसे आगे से कुछ भी जरूर वो खाल है। तो यहाँ पर एक चीज दिखी मुझे, ये कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चाउमीन एंड मैगी पॉइंट। मुझे लग रहा है कहीं चाउमीन बनाना स्टार्ट कर लूँ मैं यहाँ से, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा चाय पी के। भाई साहब अभी बारिश ने ना यार पूरा सीन खराब कर दिया था, पूरा भीग गया मैं। वहाँ से हम लोगों ने चाय पी और सीधे निकल गए हम लोग, और अभी पहुँच रखे हैं इस जगह पे। इस जगह का नाम है डोटियाल, डोटियाल इस जगह का नाम है भाई। तो इससे हम लोगों को 4-5 किलोमीटर और आगे जाना है, और अभी सब लोगों ने अपने बरसाती और रेनकोट वगैरह क्लोज कर लिए हैं भाई। तो सबसे लंबा बैग तो मेरे पास ही है भाई, सबसे छोटी हाइट वाले बंदे के पास सबसे लंबा बैग। और प्रेम भाई हमारे थोड़े से अब यूनिक से स्टाइल में, राइडर वाले स्टाइल में आ गए भाई। मार्केट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ मैं इस मार्केट को, आप लोग भी फर्स्ट टाइम देख लो भाई, जो जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे भाई वो कमेंट करना। मानिला में बड़ा मार्केट होगा ना। तो चलो यार फिलहाल यहाँ से भी निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधे भाई आगे अपनी लोकेशन पे भाई। जिस लोकेशन पे हम लोगों को पहुँचना है वो यहाँ से 9 किलोमीटर अभी आगे है भाई। देखते हैं कैसी जगह है, वैसे तो पसंद हम लोगों को जंगल टाइप की जगह है, देखते हैं यहाँ पर कैसी जगह है। और आगे का सीन क्या तगड़ा आ रहा है अभी। ये तो फाइनली यार अभी पहुंच चुके हैं हम लोग मनीला, मनाली का छोटा भाई मनीला इस जगह पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हम लोगों को सामान लेना है भाई पहले, तो बार बार हम लोगों को यू टर्न लेना पड़ रहा है, सामान लेते हैं कहीं से और फिर चलते हैं अपने जहाँ पर हम लोगों ने अपना क्या चीज ठंड अरे आग जलाएंगे दबा के। तो कहीं और दुकान ढूंढते हैं और सामान लेते हैं भाई, खाने पीने का सामान जो बनाना हम लोगों को। तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से चावल वगैरह, रात का जितना भी खाना वगैरह बनाना हम लोगों को सब चीज़ यहीं से लेकर जाएंगे, और लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पर हम लोगों को टेंट वगैरह का सेटअप करना है। आज बिरयानी खाएंगे, वेज बिरयानी खाएंगे। तो अभी सारा सामान हम लोग यहाँ से लेकर आएंगे, और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है भाई। अभी ये देखो कितना अंधेरा हो रखा है, कोहरा छा रखा है भाई पूरा। सो फाइनली यार दोस्तों हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और मेरे पीछे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, मनाली नहीं मनीला भाई साहब, मनाली का छोटा भाई या बड़ा भाई मनीला भाई। देखो मनीला, आई लव मनीला, और हमारी भाई स्पोर्ट बाइक और स्प्लेंडर हमारी ऊपर चढ़ चुकी है अभी, और जहाँ पर स्प्लेंडर है वहीं पर शायद हम लोग टेंट वगैरह का सेटअप करेंगे। प्रेम भाई तो बाइक घुमा के ला रहे हैं, अभी ऊपर चढ़ानी है ये वाली बाइक भी। तो चलता हूँ मैं भी ऊपर और लोकेशन दिखाता हूँ आप लोगों को जहाँ पर कि हम लोगों का अभी नाइट स्टे करना है भैया। तो ये देखो भाई जंगल के बीच हम लोग बाइक लेकर आ चुके हैं, और पीछे से अभी स्प्लेंडर आने वाले हैं हमारे अभी देखो, और है भाई दो बंदे साथ के, और नीचे भाई देखो कहाँ पर लेकर जा चुके हैं मनीष भाई अपनी टाइगर सुपर राइडर बाइक। तेरी माया का बथो मम्मी उड़ दे रहा हूँ उड़ दे रहा हूँ हर र र र। क्या बढ़िया है उधर, उधर सारे बांस के पेड़ हैं छोटे छोटे। बस तो ठीक है, स्प्लेंडर भी आ गई हमारी। शराब पी जाए कांच की बोतलें यहाँ जंगल में फेंक देते हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लोग यहाँ पर आके भाई बियर की बोतलें, कांच की बोतलें और प्लास्टिक के कागज यहीं पर छोड़ देते हैं। और अभी हम ना रोड साइड से लगभग 300-400 मीटर आगे होंगे ना, 300-400 मीटर आगे जंगल में आ चुके हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर हम लोगों ने टेंट फिच करना है अपना। भाई अरे भाई लकड़ियाँ भी मिल गई यार, ये देखो किस्मत बोलते हैं इसे, ये किस्मत है मेरी ये किस्मत है मेरी। तो पहले यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी हम लोगों को, और फिर भाई भाई की लाइट जला देंगे रात को, आज लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको बिछाते नीचे से दोनों टेंट के लिए हैं, ठीक है फिर टेंट वगैरह सेटअप करते हैं फटाक से, क्योंकि बारिश आना स्टार्ट हो गया यार, बाद में मजे बाद में कर लेंगे भाई। सो फाइनली यार दोस्तों हमारे टेंट पिच हो चुके हैं, और अब थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा, आप लोगों को डर लग गया होगा। ये देख सकते हो दोनों छप्पर हम लोगों ने ओढ़ लिए हैं, और बारिश का सीन देखते हैं, रात को बारिश आएगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन लकड़ियां हम सबसे अच्छा काम ये हुआ कि लकड़ियां हम लोगों को इन पेड़ों पे मिल गया है। लकड़ियां तोड़ेंगे बंदर के जैसे पेड़ में चढ़ के, बंदर के जैसे पेड़ में चढ़ के लकड़ियां तोड़ेंगे, उसके बाद मस्त करके आग जलाएंगे, और खाने में तो आप लोगों को बाद में बताएंगे। फिलहाल तो अभी यार
सबसे अच्छा काम हुआ मेरी लोकेशन ढंग की मिल गई, अच्छी मिल गई। और मेरा क्या बोलना था, क्या बोलना था? और रात को लाइट का, और रात को जो लाइट का जुगाड़ करेंगे हम लोग, लाइट का जुगाड़ कुछ इस टाइप से करेंगे कि एक बाइक वहाँ पर खड़ी कर देंगे, एक बाइक यहाँ पर खड़ी कर देंगे, और उसके बाद करेंगे सामान। भाई एक स्टैंड के अंदर ही आएगा जितना भी आएगा, बाकी उस स्टैंड के अंदर तो दो बंदे ही आएंगे। नहीं बैग डाल देंगे, बैग बैग यहाँ रहने, यहाँ चार आ जाएंगे, यहाँ चार बंदे आ जाएंगे, मस्त यहाँ पांच भी आ जाएंगे। तो ठीक है, सामान हम वहाँ रखेंगे उस वाले टेंट के अंदर, और हम लोग यहाँ पर स्लीपिंग यहाँ पर करेंगे भैया। हम जलेबी कौन लाया, जलेबी बहुत चिंता रहती है भाई, जलेबी भाई कहाँ है जलेबी? ओ भाई प्रेम भाई ने जलेबी ला रखी है, जलेबी भाई। तो ये भाई हमारे प्रेम भाई जलेबी ला रखे हैं, तो चाय के साथ जलेबी खाने का मजा ही कुछ और आ जाएगा भाई। और अभी भूतिया जंगल दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो चारों तरफ भाई कोहरा ही कोहरा, और यहाँ पर सूखे सूखे पेड़ बहुत सारे हैं, तो हमें लकड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार थोड़ा दूर से आप लोगों को सेटअप दिखाते हैं, पीछे से कुछ इस टाइप का और इस साइड से कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है हमारा टेंट वगैरह का सेटअप। तो अभी यार सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग कैंपिंग करने आ रखे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोग कहाँ आ रखे हैं कैंपिंग करने। तो हम लोग आ रखे हैं अल्मोड़ा के जंगलों में कैंपिंग करने भाई, और जिस जगह पे अभी हम लोग हैं इस जगह का नाम है मनीला भाई। एक है मनाली और एक है मनीला, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। तो जैसे कि यार मैंने इससे पिछले वाले कैंपिंग ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि घर से कितना भी सामान ले लो, लिस्ट बना के ले लो, लेकिन एक ना एक चीज़ छूट ही जाती है, उसी टाइप का सीन आज भी हो चुका है भाई। माचिस ही नहीं ला रखे है भाई, माचिस लेकर नहीं आ रखे हैं, और देखो ऐसा सीन हो रहा है, देखो बूटन गैस से आग जलानी पड़ रही है, देखो जला दी भाई। ऐसे जुगाड़ू बंदे हो ना भाई तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी भाई, देखो ऐसे बंदे तो चाहिए कैंपिंग के साथ ही। देखो अब आग जला रहे हैं हमारे मनीष भाई, और बाकी सारे मुंड कपाल पकड़ के बैठे हुए लौंडे अपने अपने ब्लॉग शूट करने पे। और फिलहाल अभी एक ही भाई की लाइट जला रखी है हम लोगों ने। तो अभी यार हम लोग पानी लाना भूल गए थे, तो इसलिए हम लोगों को अभी बाइक लेके फिर से जाना पड़ेगा पानी लेने। तो अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस हो रहा है भाई ये। तो भाई 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 लोग मिलते हैं थोड़ी देर में भाई। और जंगल देख सकते हो आप लोग, कितना खतरनाक जंगल है, कोहरा ही कोहरा भाई, अंधेरा हो रखा भाई, आगे को कुछ नहीं दिख रहा, गड्ढे भी नहीं भाई, नीचे वाली लाइट नहीं है क्या? हाँ ऐसे कर, रोड कहाँ है भाई, रोड तो पता चल जाए पहले भाई कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा भाई, आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा लगा हुआ है भाई। और रोड तो भाई देखना कितनी दूर है रोड, अभी देखना कितनी दूर आ रखे हैं हम लोग रोड से। तो चलिए यार पानी लेकर आ चुके हैं हम लोग, डब्बा भी मांग मांग के लाना पड़ा हम लोगों को। और अभी यहाँ पर भाई कॉफ़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है, आज कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं चाय की जगह। तो गाइस कॉफ़ी बन चुकी है, कॉफ़ी के मज़े लेते हैं। और ये जो थैला देख रहे हो आप लोग, इसमें भाई हमारा खाने पीने का जुगाड़ है भाई, सारा सामान हम लोग ने इसमें ला रखा है, यहीं से खरीदा यार, वहाँ से कौन लेके आता उन्हें दूर से। और प्रेम भाई ने ला रखी है जलेबी, तो नाम जलेबी भाई खाएंगे हम लोग अभी। तो अभी जलेबी माता के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, खुल जा भैया पन्नी रख दिया काम भाई, ये टेप मार रखा है कि इस पे भाई कहाँ से देहरादून से पैकिंग करा के लाए हो क्या? डिकैथलॉन से भाई, तगड़ी वाली पैकिंग करा रखी है भाई। तो ये रही भाई जलेबी, इसे खाएंगे कॉफी के साथ भाई, वैसे बहुत चीजें ला रखी हम लोग ने चाय के साथ कॉफी के साथ यार। तो चलिए यार दोस्तों फाइनली अभी हम लोगों ने कॉफी पी ली है, और इसके बाद हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, बस सीधे भूख लग रही है तगड़ी वाली। अभी मैं फिलहाल जलेबी खा रहा हूँ इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है सुनना लो तुम कहीं। तो आज बिरयानी बना रहे हैं, वेज बिरयानी बना रहे हैं हमारे मनीष भाई, तो देखते हैं भाई उनके हाथ की बिरयानी कैसी होती है। और बाकी भाई मैं तो मस्त करके भाई ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, काम तो आज चौपट, सच बोलूँ तो, क्योंकि आज रोटियाँ बनानी होती तो हाँ मैं बना देता भाई,
लेकिन ये बिरयानी बिरयानी थोड़ी हट गया मेरे लिए। तो चलिए यार दोस्तों, फाइनली भाई हमारी खिचड़ी बन चुकी है। खिचड़ी बोले तो हाँ, एक एक करके बोल रहे भाई, यहाँ खिचड़ी पक जा रही है। तो जैसा इनकी बिरयानी बन रही है ना वैसे, तो इसमें बना रखी है भाई, अभी खुल तो नहीं रहा मेरे से, इसमें बना रखी है हम लोगों ने वेज बिरयानी। और भाई अभी ना सीन ऐसा हो चुका है कि बारिश लग चुकी है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, तो हम लोगों को फटाफट घुसना पड़ेगा भाई अपने छप्पर वगैरह के अंदर। और भाई तो भाई और तगड़ी आ गई भाई, सामान समेटो भाई, बारिश आ गई खतरनाक हो रही है, अंदर चलो भाई वगैरह बंद करो भाई। तो सारा सामान हम लोगों को अंदर समेटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तगड़ी वाली बारिश आ चुकी है। तो कोहरे की वजह से यार वीडियो की ना क्लियरिटी भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने लकड़ियाँ रख दिया ऊपर से, अगर आग जलेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या बोले हम लोग हैं, सीन ऐसा हो गया। देखो सारा सामान बाहर पे ही बिखरा पड़ा है। तो अभी यार हम लोग आ चुके हैं अपने टेंट के अंदर, और बाहर के आप लोगों को नॉइज़ सुनाई दे रही होगी बारिश की, कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है, इतनी खतरनाक आवाज़, इतनी खतरनाक बारिश भी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने सारा सामान जल्दी जल्दी अंदर फेंका। और यहाँ पर भाई एक बार बिरयानी देखो, हाँ लॉक कर दिया मैंने वो। ये देखो भाई हमारी वेज बिरयानी बन रखी है, सोयाबीन डाल रखी है हम लोगों ने इसमें, और मस्त करके पेट पूजा करेंगे। लगा दो यार, चखना क्या है, जैसे भी हो रही क्योंकि दोबारा थोड़ी ना बन पाएगी, आग भी शायद बुझ गई होगी हमारे बाहर पे। मैं पानी पानी लूना कम होएगी पानी। तो भाई जो लून कम हो रहा है तो हमें लून के लिए भेज रखा है मनीष भाई को, और वो लेके आएंगे आप लून भाई, और इसमें डाल के गबड़ी, हमारी पहाड़ी भाषा में से बोलते हैं गबड़ी, वैसे सब सोयाबीन बोलते हैं। तो चले यार दोस्तों, अभी भाई खाना पीना भी हो चुका है हम लोगों का, और खाना पीना भी हो चुका है, कंबल वगैरह भी बिछा लिया हम लोगों ने, और भाई फुल मजे कर रहे हैं भाई लड़के लोग यहाँ पर। ये देखो डर लग रहा है बाहर पर, बहुत ज्यादा डर लग रहा है बाहर पे। अभी सीन ऐसा हो गया है कि आवाज आई भाई कसम से, रियल में ना आवाज आई, अभी भी आई। देखो अभी ना मजाक की बात से हटके कुछ 10:54 तो अभी भाई बाहर पे ना कुछ आवाज से आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने टेंट वगैरह का चैन खोल लिया, अभी दरवाजा खोल लिया, तो इस साइड से पता नहीं किसी चीज की आवाज आ रही है, जैसे कोई ना टेंट पे कुछ बोतल वगैरह फेंक रहा होगा भाई इस साइड से, पता नहीं यार भाई। फ्लैश जलाता हूँ मैं, देखता हूँ क्या चीज है। तो अभी तो देखो कुछ नहीं दिख रहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे ना टेंट के आसपास कोई बोतलें फेंक रहा होगा। एक तो इस जंगल में ना भाई बोतलें भी है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हो रहा है। तो भाई डर तो नहीं लग रहा क्योंकि चार बंदे हैं। बोतल फेंकी होगी भाई, मैं ऐसे देख रहा था बाहर, और भाई कसम खा के बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना बोतल फेंकी होगी पीछे से। मैं बोल रहा था ऐसे सीन हो रहा है बार बार, पता नहीं यार तुम्हें लगा मजाक कर रहा हूं। अभी अभी बोतल फेंकने का सुना मैंने, मेरा दिल ना इतना जोर से धड़कना है भाई साहब, मैं क्या बताऊं यार आपको, हंसी भी आ रही है और डर भी भयंकर लग रहा है भाई। यार पता नहीं यार बाहर पे क्या है, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हो रहा है हमारे साथ। तो चैन भी फटाक से बंद कर दो भाई, बंद कर दो जल्दी बंद कर दो। तो अभी यार बाहर पे ना इतनी तगड़ी बारिश हो रही है कि यहाँ पर ना पानी भरना स्टार्ट हो गया भाई। ये देखो यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो गया, ये देखो इतना सारा पानी भर गया यहाँ पर भाई। पता चल रहा सुबह तक हमारा टेंट पानी में ऊपर हो रहा है भाई, पानी में तैर रहा है। ये देखो खतरनाक बारिश हो रही है भाई, खतरनाक बोलते हैं इससे भाई साहब। अभी सीन कैसा हो गया, ये देखो पूरा दलदल बन गया भाई हमारे नीचे, पानी भर गया भाई पूरा। ये देखो कैसा कर रहा है पानी, ये देखो पूरा, ये देखो भाई कैसा सीन हो गया अभी। ये देखो पूरा हिल रहा है भाई, देखो करना एक बारी, ये देखो पूरा पानी भर रखा भाई नीचे, पानी आ गया यार यहाँ भाई। आज तो गए भाई, आज गए काम से भाई, डूबने वाले हैं नीचे ना, टैंक के नीचे पूरा पानी भर चुका है यार, हमें पता नहीं था यहाँ पर पानी भरता है यार। ये तो हम लोग यहाँ पर टैंक स्विच करते नहीं। कि क्या गाना था, गाना कौन सा था, सोन पातो का बचले में ना जद न गद न बगी दी के ना, या कह मारो टेंट बोगी के ले काले अब का मचा, या कह मारो टेंट बोगी के ले काले अब का मचा।
तो जो चीज हमें डरा रही थी वो ये देख सकते हो आप लोग, ये है बोतल, इसमें पानी गिर रहा था और हम लोगों को लग रहा था डर। अभी हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कि पानी नहीं भर रखा होगा, लेकिन अभी तक हम लोगों को लोकेशन मिली नहीं। और टेंट हमारे वहाँ पर रहे, वो देखो उधर, और यहाँ पर बाइक भी चमक रही है, डर सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर कांटे ही कांटे हैं। इतना तगड़ा सीन ना इससे पहले कभी नहीं हुआ भाई, इतनी दूर आ गए हम लोग लोकेशन ढूंढने जहाँ भाई। हेलो, वो मस्त जगह मिल गई। सुनो, बारिश कम आ रही है अभी, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, हटो वहाँ से प्रेम भाई, हटो हटो प्रेम भाई, हटो भाई, लाइट का सेटअप कर लिया हम लोग ने, और अभी टेंट उठाते हैं, पूरा ही उठाते हैं इसको और लेकर आते हैं प्रेम भाई को, बाहर फेंकते हैं यहाँ से। ऐसा सीन कभी नहीं हो हमारे साथ, हम लोगों ने टेंट वगैरह का सेटअप वहाँ से लेकर यहाँ पर सेट कर लिया है। ये देखो भाई, दोनों टेंट यहाँ पर लगा लिया, इसके अंदर हमारा सामान है, इसके अंदर बंदे सो रखे थे, हम सब सो रखे थे। तगड़ी वाली बारिश थी वहाँ पर, खतरनाक वाला पानी भरा और हालत ये हो चुकी है। देखो पूरा भीग चुका हूँ, कपड़े एक्स्ट्रा ला रखे हैं, पहनूंगा फिर सुखाने डालूंगा, सूखेंगे तो है नहीं। अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए यार, टेंट दूसरी जगह पे स्किप किया हम लोगों ने,